राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, मुतनाजा बयान पर राहुल गांधी की आज पेशी होने वाली है। तो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश होने का हुक्म राहुल गांधी को दिया है और कई पेशियों से राहुल गांधी नदारद रहे हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से यहां पर पेशी होनी है। तो अमित शाह के खिलाफ मुतनाजा तबसरा करने का मामला है जिसमें राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यह तबसरा किया था जिसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। तो बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हीं की तरफ से यह अर्जी दायर की गई थी और इसी मामले को लेकर आज जानकारी मिल रही है कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना होगा। मुतनाजा बयान से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। वहीं खबर ये भी है कि कई पेशियों से राहुल गांधी नदारद रहे थे। कई बार की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए लेकिन आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अमित शाह के खिलाफ मुतनाजा तबसरा करने से जुड़ा हुआ यह मामला है। 2018 का ही मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी पर केस चल रहा है। तो कर्नाटक चुनाव के दौरान मतनाजा तबसरा किया गया था राहुल गांधी की तरफ से 2018 में। इसको लेकर बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ अर्जी दायर की थी।